हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स पार्ट वन का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी जो आपने अपनी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये हमको अभी रिकॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले आज हम लोग, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या, टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला जो टाइप है वो है नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। आप जानते ही हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनका नोटेशन पता है ना। नेचुरल नंबर्स का नोटेशन है कैपिटल N। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। ये किसका सिंबल है? इंफिनिटी का सिंबल। समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हमने देखा टाइप ऑफ नंबर? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम होता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, मुझे ये नाम ज्यादा बेटर लगता है, इसीलिए क्योंकि इससे एक बात समझ में आती है कि जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं किसी भी चीज की ना, तो जीरो से स्टार्ट नहीं करते। कैसे करेंगे? जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंटिंग करनी है किसी क्लास में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा नहीं बोलते, 0, 1, 2, 3 ऐसा नहीं बोलते। कहां से कैसे बोलते हैं? 1, 2, 3, 4 यानी स्टार्ट 1 से करते हैं, इसलिए ये ज्यादा बेटर नाम लगता है मुझे। ठीक है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज रिकॉल कर लेते हैं। सेकेंड क्या? होल नंबर्स। क्या ये? होल नंबर्स। आप जानते ही हैं होल नंबर्स क्या होते हैं, इसका नोटेशन भी याद होगा ना आपको। होल नंबर्स का नोटेशन है W, और आप जानते हैं होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएंगे? अप टू इंफिनिटी तक। समझ में आ गया? इसको याद ऐसे रखना है आपको कि होल में ये O आता है, O बिल्कुल जीरो को रिजेंबल करता है, तो होल किससे स्टार्ट होंगे? जीरो से स्टार्ट होंगे। समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो ये ट्रिक है इसको याद कर लेने की, और वैसे सब बच्चों को याद ही होता है, कोई भूलता नहीं है। ठीक है, थर्ड जो है हमारा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नंबर्स, वो कौन से होते हैं? इंटीजर्स। कौन से होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल पता है क्या होता है? जेड। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में आई भी लेता है, लेकिन जेड क्या है? ज्यादा ट्रेंडी यानी ज्यादा कस्टमरी नोटेशन है। अगर आप स्टैंडर्ड रेफरेंसेस देखेंगे तो जेड मिलता है। जेड क्यों नोटेशन लिया गया है? Z इसीलिए नोटेशन लिया गया है, Z जो है एक वर्ड है जिसका नाम है, जिसे कहते हैं जालिम, जालिम या फिर जाल, एक जर्मन वर्ड है। जालिम का मतलब होता है काउंट और जाल का मतलब होता है नंबर। समझ में आ गया? तो वहां से इसका ओरिजिन है। हमने जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है जालिम, उससे क्या बनाया? जाल, और जाल क्या? एक नोटेशन बना लिया Z, और उसी को इंटीजर्स के लिए क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में होता क्या है, ये तो हिस्टोरिकल पार्ट हो गया ना। इंटीजर्स में होता क्या है? इंटीजर्स में पॉजिटिव जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो कहां तक जाएंगे? ये इंफिनिटी तक, ये माइनस इंफिनिटी तक। क्लियर है? तो तीन टाइप्स ऑफ नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और थर्ड क्या है हमारा? इंटीजर्स। क्लियर है? और भी है भी, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब। ओके बच्चों, तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स हमारे हैं वो भी है रैशनल नंबर्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ टाइप ऑफ नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स का नोटेशन क्या होता है? क्यू होता है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी बाय क्यू फॉर्म के होते हैं। ये p by q का क्या मतलब होता है? आसान भाषा में जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म के होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि रैशनल नंबर्स इज अ सेट ऑफ ऑल, मान लेते हैं x, वेयर सच दैट x इज इक्वल्स टू p by q, और यहां पर एक कंडीशन है, एक शर्त है, वो शर्त ये है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में याद रखिएगा 0 नहीं आ सकता, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, आगे जाकर के उसको मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल से इतना याद रखिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल दे देता हूं, 2/3, 3/2, 5/4 ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 2, क्या ये रैशनल नंबर है? तो बच्चों को लगता है ये रैशनल नंबर नहीं है, जबकि ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, रैशनल नंबर वो है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म के होते हैं। तो यहां पर 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 तो है ना। समझ में आ गया? तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है।
क्लियर। तो क्या हो गया रैशनल नंबर, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म के होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब यहां पर जरा इसके नोटेशन पे जाते हैं और इसके नाम पे जाते हैं, ठीक है। रैशनल का इंग्लिश में लिटरल मतलब होता है, लिटरल मीनिंग रीजनेबल। तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि रैशनल मतलब, रैशनल नंबर्स मतलब रीजनेबल नंबर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, रैशनल नंबर बना है रेशियो से, क्योंकि यहां पर दो नंबर्स का क्या है, रेशियो है, इस वजह से रैशनल नंबर्स किससे बना है, रेशियो से बना है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। तो पहले तो नाम क्लियर कर लिया, दूसरा क्यों क्यों है, ठीक है। तो क्यू के लिए भी हमारे पास रीजन है, क्यू बना है जब हम क्या करते हैं, दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन मिलता है, तो ये क्यू क्वेश्चन को दर्शाता है। समझ में आ गया, ये क्यू किसको दर्शाता है, क्वेश्चन को दर्शाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी थी कि रैशनल नंबर किससे बना है, रेशियो से। रैशनल नंबर्स का रीजनेबल से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्यू क्यों है, क्योंकि वो क्या है, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की हमको सेक्स में रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसको रियल नंबर्स में तो वैसे देखने ही वाले हैं, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा मैं। जो और टाइप ऑफ नंबर है मैं उसको डिस्कस करता हूँ, जो काम आने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप हमारा है वो है इवन नंबर्स। कौन से हैं, इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। क्या कहा मैंने, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। समझ में आ गया, 2 से कौन कौन डिवाइड हो सकता है, 2 से खुद 2 डिवाइड हो सकता है, 2 से 4 डिवाइड हो सकता है ना, 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2, 2 से 6 डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 3, तो 2 से 7 भी तो डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 3.5 सा, नहीं ये डिविजिबल नहीं। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि अगर हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करें या गिवन नंबर से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 0 आए। समझ में आया, डिविजिबल की कंडीशन क्या है, डिविजिबल की कंडीशन ये है कि जब मैं क्या कर दूं, किसी गिवन नंबर को किसी से डिवाइड करूं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब वो डिविजिबल है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो डिविजिबल का मतलब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इवन नंबर्स के सेट में क्या क्या आएगा बताओ जल्दी से, इवन नंबर के सेट में आएगा 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। कहां तक जाएंगे, तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। समझ में आ गया, जब इनको डिवाइड किया जाएगा 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर। समझ में आता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या, सिक्स टाइप ऑफ नंबर हमारा क्या होगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है, ऑड है, है ना। तो हमारा सिक्स्थ टाइप ऑफ नंबर देख लेते हैं, सिक्स्थ टाइप ऑफ नंबर क्या है, वो है ऑड नंबर्स, ठीक है। तो सिक्स्थ हमारा क्या है, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स में क्या है, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या कहलाते हैं, ऑड कहलाते हैं। 2 से कौन सा ऑड डिविजिबल नहीं है, अरे बहुत सारे नंबर है जो डिविजिबल नहीं है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, 9 है, 11 है, 13 है, कहां तक जाएंगे, ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स है। समझ में आ गया, तो ये सब के सब क्या है हमारे पास, क्या, ऑड नंबर्स है, क्लियर। समझ में आता है, ठीक है। और ये भी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर हैं, वो भी समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ओके बच्चों, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर्स है हमारी वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन दे देता हूं, ठीक है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली 2 टेबल्स में आते हैं, एक तो 1 के टेबल में आएंगे और दूसरा खुद के टेबल में आएंगे। समझ में आ गया, क्या बोला मैंने, क्या कहा मैंने, ऐसे होते हैं नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, जो क्या होते हैं, या तो 1 के टेबल में आते हैं या तो खुद के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 1 में आएंगे एंड इटसेल्फ, यानी खुद के टेबल में आते हैं, तो इतना शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स बहुत सिंपल है, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते, इतना सिंपली इसको डिफाइन किया जा सकता है। वो नंबर जो प्राइम नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। Those numbers which are not
उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, थोड़ा सा इनके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, याद रखिएगा वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों ऐसा है इसको भी समझाता हूं मैं, ठीक है उसको याद रखिएगा। टू जो है टू प्राइम नंबर है। क्यों टू प्राइम नंबर है, क्योंकि वन टू जा टू और टू वन जा टू। इसके अलावा टू किसी भी टेबल में नहीं आता, थ्री में नहीं आता, फोर में नहीं आता, फाइव में नहीं आता, किसी भी टेबल में नहीं आता। तो टू क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर है। थ्री भी क्या है, प्राइम नंबर है, सिर्फ वन में आता है और अपने टेबल में आता है। फोर, फोर की अगर मैं बात करूं तो फोर वन फोर जा फोर, फोर वन जा फोर और टू टू जा फोर। फोर वन में भी आता है, फोर अपने टेबल में भी आता है और फोर टू में भी आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो फोर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर फोर प्राइम नहीं है तो फोर कौन सा बन गया, कंपोजिट बन गया। समझ में आ गया, क्योंकि जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है। तो यहां पर फोर क्या है हमारा, कंपोजिट बनता है। समझ में आ गया, क्लियर है ना? ठीक है, इसी तरीके से सिक्स भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। सेवन क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि वन में आता है और अपने टेबल में आता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर्स हमको समझ में आता है। कंपोजिट नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक तो वो वन के टेबल में आए, एक तो वो खुद के टेबल में आए और तीसरे किसी और नंबर के भी टेबल में आए, चौथे भी किसी और नंबर के टेबल में आ सकता है। समझ में आ गया, ठीक है ना? तो कंपोजिट नंबर होते हैं वो नंबर्स वन और अपने अलावा किसी दूसरे के टेबल में भी आ सकते। क्लियर है, समझ में आता है? अब वन पे चलते हैं। ये जो वन था ना हमारा, हमने क्या बोला, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम एक चीज जानते हैं कि प्राइम के लिए क्या कंडीशन है, उसका क्वालिफायर क्या है। प्राइम के लिए क्वालिफायर है, एक तो वो अपने वन के टेबल में आए और दूसरा अपने टेबल में आए। तो वन तो खुद ब खुद क्या है, अपने टेबल में आए गई, और दूसरा कोई ऐसा टेबल है ही नहीं जिसमें क्या है, वन आए। तो प्राइम नंबर के लिए या प्राइम नंबर होने के लिए दो कंडीशन है, और उसके पास सिर्फ कौन सी है, एक ही कंडीशन है, वो सिर्फ वन के टेबल में आ रहा है। वो समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने के लिए क्या है, दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वो वन के टेबल में आए, दूसरा वो खुद के टेबल में आए। अब वन के पास फैक्टर क्या बना, तो एक ही फैक्टर बनना है, और प्राइम नंबर के लिए कितने चाहिए, दो चाहिए। समझ में आ गया, इस वजह से वन तो प्राइम नहीं है। कंपोजिट के लिए क्या चाहिए, दो से ज्यादा चाहिए। जब दो ही नहीं बन रहे तो दो से ज्यादा कहां बनेंगे, तो वन ना प्राइम बनता है ना कंपोजिट बनता है। समझ में आ गया, ऐसे ही याद रखेंगे आप कि प्राइम नंबर्स के लिए क्या क्वालिफायर है, कम से कम दो डिवाइसेस होनी चाहिए, और कंपोजिट के लिए क्या होने चाहिए, दो से ज्यादा होना चाहिए। वन के पास तो सिर्फ क्या है, सिर्फ वन ही है, वो अकेला अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में आता ही नहीं है। इसलिए वन को ना प्राइम की कैटेगरी में रखा गया ना कंपोजिट की कैटेगरी में रखा गया। तो आप समझ रहे हैं हम कितने लॉजिकली सोचते हैं, मैथमेटिक्स इज फुल ऑफ लॉजिक, बिना लॉजिक के कोई काम होता ही नहीं। इतनी छोटी सी चीज है लेकिन हम इतना सोच समझ करके रख रहे हैं। तो अगर सवाल अभी उठता है कि वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो वन क्या है, तो वन के लिए हमने एक टर्म बनाया है यूनिटी। क्या बनाया, यूनिटी। तो वन ना तो प्राइम है, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, बट वन इज यूनिटी। क्या है, वन यूनिटी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख करके रखेंगे कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। समझ में आ गया, ठीक है। वन इज यूनिटी, वन के लिए क्या बनाया हमने, एक टर्म बनाया जिसे क्या कहते हैं, यूनिटी कहते हैं। क्लियर है? तो ये जितने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स रिक्वायर्ड थे वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए। तो हमने कहां से पढ़ना शुरुआत की, हमने पढ़ना शुरुआत की नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जो कि कहां से शुरू होते हैं, वन से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर्स का नोटेशन क्या है, कैपिटल एन। सेकेंड टाइप ऑफ नंबर क्या देखा, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होते, जीरो से शुरू होते, यानी जीरो वन टू थ्री कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स क्या देखे हमने, इंटीजर्स देखे। इंटीजर्स का नोटेशन क्या है, जेड है। और इंटीजर्स में क्या होंगे, जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। आप ऐसे याद रखिए उसको, क्या कहा मैंने, इंटीजर्स में क्या होंगे,
जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे और नेगेटिव नंबर्स होंगे। इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, और टाइप्स ऑफ नंबर देखे, रैशनल नंबर देखा। रैशनल नंबर्स क्या, जो p बाय क्यू फॉर्म का होता है, याद रखिएगा किसको कहते हैं रैशनल नंबर, जो p बाय क्यू यानी क्या, जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म का होता है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ा, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर्स हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स के क्वालिफाई करने की कंडीशन ये है, एक तो वो 1 के टेबल में आए, दूसरा वो खुद के टेबल में आए, यानी दो डिवाइजर्स होने जरूरी है प्राइम नंबर्स के लिए। समझ में आ गया। और कंपोजिट कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं होते। और कंपोजिट को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन किया हमने आज, ऐसे डिफाइन किया कि उसके डिवाइजेस दो से ज्यादा होंगे, एक तो वो वन के टेबल में आएगा, एक तो वो खुद के टेबल में आएगा और दूसरे किसी और टेबल में भी आ सकता है। समझ में आ गया। तो कंपोजिट होने के लिए कितने डिवाइजेस चाहिए, दो से ज्यादा चाहिए। तो हमने ये भी देख लिया कि वन के पास तो सिर्फ एक ही डिवाइजर है, वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो ना प्राइम की कैटेगरी में बैठता है ना कंपोजिट की कैटेगरी में बैठता है, इसलिए वन को ना प्राइम बोला जाता है ना कंपोजिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है वन को, यूनिटी। क्लियर है, तो हम हमारे सेट्स वाले पार्ट पे चलते हैं। ओके, हेलो बच्चों, हम इस चैप्टर की शुरुआत एक वर्ड से करेंगे जिसे कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना, चीजों को जमा करना, उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। ओके, हम देखते हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में लोग अलग अलग तरह की चीजों को कलेक्ट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, वो फॉरेन कंट्रीज के ना कॉइन्स को कलेक्ट करता था, तो ये भी एक तरह की कलेक्शन है। हमारे एक स्टूडेंट है, उसको ना पत्थर जमा करने का शौक है, अलग अलग टाइप के पत्थर जमा करने का शौक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, कलेक्शन है। कुछ लोगों को ना टिकट जमा करने का शौक होता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का कलेक्शन है। आज के दौर में अगर मैं अपनी बात करूं तो व्हाट्सएप पर जो प्रोफाइल फोटोज होती है ना, कभी कभी कुछ लोग कोट्स रखते हैं या किसी छोटे बच्चे का फोटो रखते हैं, तो मुझे पसंद आता है, मैं उसे सेव कर लेता हूँ, ये भी क्या है, एक तरीके का कलेक्शन है। समझ में आ गया। तो हमारे आस पास बहुत सारे टाइप के क्या है, कलेक्शन है, लेकिन हमें इस चैप्टर में जो कलेक्शंस के बारे में पढ़ना तो है, लेकिन स्पेसिफिक कलेक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो एक बात तो समझ में आ रही है इस डिस्कशन से, इस चैप्टर में स्टडी किसकी करनी है, कलेक्शन की करनी है, लेकिन सारे कलेक्शंस की स्टडी नहीं करनी, हमें कुछ स्पेसिफिक कलेक्शंस की स्टडी करनी है। ओके बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ कलेक्शंस को लिख दिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ डिलीशियस फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड फोर्थ वन इज कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। हमारे पास चार यहाँ पर क्या है, कलेक्शंस है, ठीक है। तो इन सबको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं अपने हिसाब से करता हूँ। देखें, ये वाला अगर जब मैं कलेक्शन करूंगा तो मैं इसमें लिख रहा हूं मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन, ठीक है। मेरे हिसाब से तीन क्या है, बहुत डिलीशियस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, तो मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, मैं लिखता हूं धोनी, मैं लिखता हूं तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से दो ही क्या है, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स है, ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसका कलेक्शन करने की कोशिश करते हैं, इसका कलेक्शन अगर करेंगे तो नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक, डेज इन अ वीक में क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्लियर, ठीक है। अब इसको जरा सा एनालाइज करते हैं, इन कलेक्शंस को अगर आप प्रॉपरली एनालाइज करेंगे तो पहले जो दो कलेक्शंस हैं ये हर एक के लिए अलग अलग आ सकते हैं। डिलीशियस फ्रूट्स में जो मेरे लिए मैंगो, एप्पल, वाटरमेलन है, किसी के लिए पाइनएप्पल, मैंगो और चीकू हो सकता है, किसी के लिए पपाया हो सकता है, किसी के लिए गावा हो सकता है, तो समझ में आ रहा है। यानी ये वाला जो कलेक्शन है फर्स्ट वाला, ये किसी के लिए फिक्स्ड नहीं है, हर किसी के लिए फिक्स्ड नहीं है, ये हर एक के हिसाब से क्या होगा, बदलते चले जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये वाला जो कलेक्शन है ये क्या हो रहा है, हर एक के हिसाब से क्या होगा, बदलेगा, यानी ये रिलेटिव कलेक्शन है, ये किसी के हिसाब से होता है, रिलेटिव मतलब होता है किसी के हिसाब से। सेकेंड वाले कलेक्शन को अगर आप गौर से देखेंगे तो सेकेंड वाले कलेक्शन में क्या कर रहे हैं, हम लोग बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स मेरे हिसाब से धोनी और तेंदुलकर है, किसी और के हिसाब से पोंटिंग और सहवाग हो सकते हैं,
किसी और के हिसाब से वॉटसन और आपका मिचेल जॉनसन हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, समझ में आ गया। तो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर मेरे हिसाब से दो हैं, किसी के हिसाब से 10 हो सकते हैं, किसी के हिसाब से 20 हो सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो ये जो दो कलेक्शन हैं ये पूरी दुनिया में हर एक के लिए सेम नहीं है, ये हर एक के लिए क्या होगा अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले दो कलेक्शन की बात करूं तो नीचे वाला जो कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स का और डेज इन अ वीक का, तो इस दुनिया में कोई भी रैशनल इंसान होगा, रीजनेबल जो सोचता होगा, ठीक है, और थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज होगी, इस दुनिया में कोई भी इंसान होगा वो अगर नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन करेगा तो सेम आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का तक जाएगा अप टू इन्फिनिटी। इस दुनिया में कोई भी इंसान होगा अगर वो डेज इन अ वीक का कलेक्शन करेगा तो सेम आएगा, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, कुछ समझ में आ गया। तो ये दो कलेक्शंस में और ये दो कलेक्शंस में डिफरेंस क्या है उसको ही पहचानना है, यही एम है। मैंने जानबूझ करके आपको ये चार एग्जांपल्स दिए कि ये दो टाइप के कलेक्शन अलग हैं और ये दो टाइप के कलेक्शन अलग है। ऊपर वाले जो दो कलेक्शंस हैं ये कैसे कलेक्शंस हैं, रिलेटिव कलेक्शंस हैं। कैसे हैं, रिलेटिव, यानी ये किसी के हिसाब से बदल सकते हैं। लेकिन नीचे वाले जो दो कलेक्शंस हैं ये पूरी दुनिया में हर एक के हिसाब से क्या होंगे, सेम होंगे, यानी ये वाले मैं कहूंगा वेल डिफाइंड कलेक्शंस हैं। क्या है, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का आसान भाषा में मतलब होता है जो हर एक के लिए क्या हो, सेम हो, समझ में आ गया, उसी को क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कहते हैं, समझ में आ गया। तो हमें इस चैप्टर में जो कलेक्शंस की स्टडी करनी है वो ऊपर वाले टाइप के कलेक्शंस नहीं है जो कि रिलेटिव होते हैं, जो हर एक के हिसाब से क्या हो सकते हैं, बदल सकते हैं। हमें नीचे वाले जो टाइप के कलेक्शंस हैं हमें उसकी स्टडी करनी है जो वेल डिफाइंड है, समझ में आ गया, यानी इस दुनिया में हर एक के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे कलेक्शंस की स्टडी करनी है और ऐसे कलेक्शंस को ही हम कहते हैं सेट्स, समझ में आ गया, मैथमेटिकल सेट कहते हैं इसको, समझ में आ रही बात सबको। तो मैथमेटिकल सेट क्या होता है, मैथमेटिकल सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जो पूरी दुनिया के लिए वेल डिफाइंड होता है, जो पूरी दुनिया के लिए क्या होता है, एक समान होता है, एक जैसा होता है, क्लियर है। तो सेट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूं। तो सेट बेसिकली एक कलेक्शन है, चीजों को जमा करना है, लेकिन कैसा कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया मैंने आपको 9th स्टैंडर्ड का, आपको पक्के तौर पे क्लियर हो जाना चाहिए कि सेट किसको कहते हैं, क्लियर। तो सेट का डेफिनेशन क्या बनेगा, सेट का डेफिनेशन बनेगा कि सेट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, समझ में आ गया। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से कलेक्शन को ही क्या कहते हैं, मैथमेटिकल सेट कहते हैं, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसको समअप कर लेते हैं, किसको सेट कहेंगे, सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को कहेंगे। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो इस दुनिया में हर एक के लिए क्या होगा, सेम होगा। ऐसे कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। यही टाइप के कलेक्शन की हमको इस चैप्टर में स्टडी करनी, क्लियर। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर।